मैम साहब, एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ पूछ। साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहीं बाहर गए हैं क्या? निकाल दिया मैंने उसे। निकाल दिया मतलब? मतलब ये कि मैंने उसे इस घर से निकाल दिया है हमेशा के लिए। क्यों मजाक कर रही हो मैम साहब? मैं कोई मजाक नहीं कर रही, तुझे तो सब कुछ अच्छे से पता ही है कि वो पिछले एक साल से घर में बैठा हुआ था, कोई काम धंधा नहीं करता था। अरे इस पूरे घर की जिम्मेदारियां मेरे पे तो थी, घर की EMI देनी हो, राशन लाना हो, कोई भी अगर खर्चे होते थे वो सब मुझे ही तो उठाने पड़ते थे। वो तो बस बैठ कर मुफ्त की रोटियां तोड़ता था। और इसी बात पे दो तीन दिन पहले मेरा उससे झगड़ा हो गया, और जब मैं इस घर की EMI दे रही हूँ तो ये घर भी मेरा हुआ, इसने निकाल दिया उसे घर से। और वैसे भी ना मैं इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। पर मैम साहब, साहब का तो अच्छा भला काम था, वो तो पिछले साल उनकी दुकान में आग लग गई थी, उसकी वजह से आपका नुकसान हो गया था, उससे पहले तो सब सही था। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे, उसके तुरंत बाद ही तो मैंने जॉब करनी शुरू कर दी थी, इस पूरे घर का भार मुझ पे आ गया था। लेकिन उसकी एक साल से नौकरी नहीं लग रही थी तो उससे मैं क्या करूँ। लेकिन मैम साहब बस कर, तू ना उसकी तरफदारी करना बंद कर, घर का काम कर। जी मैम साहब। जब देखो बस बातें बनानी आती है। अच्छा सुन। हाँ मैम साहब। तेरा घर वाला भी तो नहीं कमाता? वो तो मैम साहब 2 महीने पहले फैक्ट्री में काम करते करते एक हादसा हो गया था, जिसकी वजह से उनका पैर टूट गया और उन्हें काम छोड़ना पड़ा। हाँ तो पैर टूट गया तो वो पूरे टाइम घर में बैठा रहेगा, कोई काम धंधा नहीं करेगा? देख तू बहुत अच्छा कमाती है, मेरी बात मान, उसको छोड़ दे। देख तो बच्चे भी नहीं है, साफ सफाई भी तू अच्छा खासा कर लेती है, तेरे को मैं और जगह काम दिला दूंगी। अच्छा कमाइयो और खुद अपने घर में अकेले रही हो, और वैसे भी हम तो आजकल की औरतें हैं, किसी पे निर्भर नहीं रहती, समझी तू? चल काम कर ले। मैम साहब एक बात बोलूं आपसे? बोलो। जब मैं अपने घर में नए नए शादी करके आई थी तो मुझे कुछ नहीं आता था, तब मेरे पति ने मुझे संभाला था, मुझे सब कुछ सिखाया, मेरे साथ निभाया, हर वक्त हर छोटी छोटी चीजों में मेरी मदद की, मुझे कभी भूखा नहीं रखा, जो मुझे मन करता था वो सब मेरा सपना पूरा करते थे, हर छोटी छोटी चीजों में कभी ना नहीं की उन्होंने, मेरा बुरे वक्त में भी उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। जब तक उनके पैर में चोट नहीं लगी थी ना, उन्होंने मुझे नौकरी करने नहीं दी, वो तो मजबूरी थी जिसकी वजह से आज मैं सबके घरों में काम कर रही हूँ। लेकिन आज उनका मुश्किल वक्त है तो मैं उनका साथ कैसे छोड़ दूँ? आपको पता है हमारे धर्म में पति पत्नी का रिश्ता कितना अटूट होता है, हर छोटी छोटी बातों पे ऐसे रिश्ता नहीं तोड़ा जाता। हमारे धर्म में तो पति पत्नी का रिश्ता तोड़ने का कोई शब्द भी नहीं है मैडम, क्योंकि तलाक शब्द उर्दू का है और ये डाइवोर्स है, डाइवोर्स वो अंग्रेजी का शब्द है। जब हमारे धर्म में हमें सिखाया ही नहीं गया तो हम ऐसे रिश्ता कैसे तोड़ दें? हमको तो बचपन से यही सिखाया है कि पति पत्नी को अपना रिश्ता निभाना आना चाहिए। ऐसा नहीं है मैम साहब कि मर्द औरत पे निर्भर है और औरत मर्द पे निर्भर है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। हाँ मैम साहब आपने सही कहा था कि औरतों को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना परिवार छोड़ दे। मैम साहब, साहब ने भी आपके लिए और इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया होगा, और मैम साहब बुरा वक्त तो किसी के भी जिंदगी में आ सकता है, माफ कीजिएगा मैम साहब अगर मैंने ज्यादा बोल दिया होगा तो, आप ज्यादा समझदार हैं मैम साहब।